जय गुरुदेव। गोरखपुर, तारीख 20 से 24 जुलाई सन 1967। 20 तारीख को मुझे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन रेलवे डेयरी कॉलोनी के लोको खेल के मैदान में मिला। इसी मैदान में सत्संग स्वामी जी महाराज का होना था। परम पूज्य स्वामी जी मोटर से आए। सभी प्रेमियों ने चरण स्पर्श गुरु महाराज का किया। स्वामी जी एक खेमे के भीतर एक कुर्सी पर बैठे, क्योंकि बाहर धूप थी। हालांकि सुबह 8:30 ही अभी बजे थे। स्वामी जी महाराज के सामने सभी सत्संगी भाई बैठ गए। सभी प्रेमी स्वामी जी महाराज को एक टक से निहार रहे थे। स्वामी जी महाराज ने सबसे उनका हालचाल पूछा, फिर स्वामी जी महाराज के नाम से प्रेमियों द्वारा भेजे गए पत्रों को श्री अग्रवाल साहब ने स्वामी जी महाराज को दिया। स्वामी जी ने सभी पत्रों को वहीं पढ़ा। एक बहन ने स्वामी जी महाराज के पैरों पर कुछ पुष्प अर्पित किए। स्वामी जी ने मुझसे कहा कि इसे उठा लो। मैंने पैर पर से उन फूलों को उठा लिया। स्वामी जी महाराज खुशी की मुद्रा में थे। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज गए। यहाँ फिर शाम को स्वामी जी आए और 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग किए। प्रेमियों की बहुत भीड़ सत्संग में उपस्थित थी। सत्संग करने के बाद स्वामी जी महाराज यहाँ से चले गए। आज 21 जुलाई को सुबह 8 बजे स्वामी जी महाराज सत्संग पंडाल में पहुंच गए। आज गुरु पूर्णिमा की तिथि थी। त्योहार मनाने के स्थान को बड़ा ही सुंदर और भव्य सजाया गया था। स्वामी जी महाराज के बैठने का मंच बड़ा ही भव्य था। स्वामी जी महाराज बीच में विराजमान रहे। चारों कोनों पर केले के पेड़ रखकर बहुत सुंदर छवि वाला मंडप बनाया गया था। स्वामी जी महाराज के सामने बारी बारी से प्रेमी जाते थे। उनको गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से टीका लगाते थे। स्वामी जी पलथी लगाकर बैठे थे और उसके ऊपर एक तौलिया रखे थे, जिससे कि उनके धोती पर रोली का दाग न लग सके। उनके सिर पर का रखा रुमाल कभी अगर ढीला होता तो स्वामी जी उसको ठीक कर लेते थे। लगातार 2 बजे शाम तक स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों की आरती पूजा स्वीकार की। इतने घंटों में केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए मंच पर ही उठकर स्वामी जी खड़े हुए, बाकी पूरे समय लगातार एक आसन पर वहां बैठे रहे। गुरु पूर्णिमा के पूजन के बाद स्वामी जी महाराज डॉक्टर आर पी श्रीवास्तव के बंगले पर चले गए, जहां स्वामी जी महाराज रुके हुए थे। मैं वहां पर 4 बजे शाम को गया तो स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। 5 बजे के बाद स्वामी जी निकले और सभी उपस्थित प्रेमियों से पूछे कि भोजन किया या नहीं, तो लोगों ने कहा कि अभी नहीं। स्वामी जी ने आदेश दिया कि सभी लोग सत्संग मैदान में जाएं और प्रसाद पा लें। आदेश पाकर सभी लोग सत्संग मैदान में गए। मैं बाबा जी के साथ बैठा रहा। बाबा जी श्री प्यारेलाल जी पाठक। स्वामी जी महाराज ने चाय पिया, कमरे से निकलकर थोड़ा बाहर खड़े रहे और फिर कहे कि तुम लोग चलो, अब सत्संग का समय हो रहा है। लोग सत्संग मैदान में गए यहाँ से। इसके बाद स्वामी जी महाराज स्नान करने गए। शाम 6:45 बजे स्वामी जी महाराज सत्संग करने के लिए सत्संग मैदान में मंच पर आ गए और 8:30 बजे तक बड़ा ही सुंदर सत्संग किए। इसके बाद स्वामी जी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब के बंगले पर चले गए। वहाँ जाने के बाद रात 10:30 बजे तक जो भी प्रेमी अभी तक आरती पूजा नहीं कर पाए थे, उन्होंने गुरु पूजन आरती किया। जब सब ने आरती कर लिया तो हुक्म के अनुसार फिर सभी लोग चले गए। स्वामी जी महाराज ने सुबह से ही आज अथक परिश्रम किया था, अभी तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने भोजन किया। मैं वहां से तब अपने मकान पर चला आया। 22 जुलाई को सुबह 10 बजे मैं डॉक्टर आर पी श्रीवास्तव साहब के बंगले पर पहुंचा। वहां सुबह 6:30 बजे से आज स्वामी जी महाराज ने जिज्ञासु प्रेमियों को नामदान दिया था। पानी भी बरस रहा था।
उसी में बहुत से बच्चों का मुंडन भी स्वामी जी महाराज अपने हाथों से किए थे। स्वामी जी अपने कमरे में थे, वे कभी बाहर थोड़ी देर निकलते, प्रेमियों को दर्शन देते, फिर कमरे में जाकर आराम करते। बाहर प्रेमीगण बैठे रहे। मैंने स्वामी जी महाराज से फोटो के लिए निवेदन भेजा। बादल छाए हुए थे, रह रहकर पानी भी बरस जाता था। स्वामी जी महाराज ने फोटो खींचने के लिए हुक्म नहीं दिया। शाम के वक्त आसमान साफ हुआ तो स्वामी जी महाराज बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठे। उनके सामने सभी सत्संगी प्रेमीगण बैठ गए। पास में चादर पर बाबा जी बैठे। चाचा जी श्री विष्णु जी लुल्ला जी भी थे। बाबा जी और चाचा जी के कहने पर मुझको फोटो खींचने के लिए स्वामी जी का हुक्म हुआ। मैंने तब कैमरे से स्वामी जी महाराज का फोटो खींचा। फिर सभी प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज से अपनी अपनी बातें की। स्वामी जी महाराज ने सबसे पूछताछ किया। शाम देर होने लगी तो स्वामी जी महाराज उठे और सबको सत्संग में जाने के लिए बोले। रात में 7 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक सत्संग मैदान में स्वामी जी महाराज ने सत्संग दिया। फिर डॉक्टर साहब के बंगले पर गए। इसके बाद मैं भी घर चला आया। अगले दिन 23 जुलाई रविवार के दिन मैं सत्संग मैदान में 7:30 बजे सुबह पहुंचा तो स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे थे। 9 बजे तक बड़ा ही सुंदर अंदरूनी भेद सत्संग में स्वामी जी महाराज ने बतलाया। सत्संग करके फिर स्वामी जी महाराज चले गए। फिर शाम को स्वामी जी ने 5 बजे से 7 बजे तक सत्संग किया। मंच पर सामने से सूर्य की किरण पड़ रही थी, इस कारण एक प्रेमी छाता लेकर खड़े रहे। सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज डॉक्टर श्रीवास्तव साहब के बंगले पर चले गए। रात में बहुत से प्रेमी बंगले पर पहुंच गए। मैं भी वहां गया। रात के 10 बजे तक सभी लोग वहां रहे, स्वामी जी महाराज अंदर ही रहे। फिर बाहर निकले और थोड़ी दूर टहलने गए भोजन कर लेने के बाद। टहल कर जब स्वामी जी वापस आए तो सभी को जाने का हुक्म दिए। तब सभी प्रेमी वहां से चले गए। 24 जुलाई को डॉक्टर श्रीवास्तव साहब के बंगले पर ही स्वामी जी महाराज रहे। वहां सत्संगी प्रेमी पहुंचते रहे, दर्शन गुरु महाराज का पाते रहे। स्वामी जी के साथ कुछ घंटे लोगों को रहने, दर्शन प्रसन्न करने का सौभाग्य मिला। सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। स्वामी जी महाराज 2 बजे तक सभी प्रेमियों को आशीर्वाद दिए और फिर वहां से देवरिया गए। जय गुरुदेव।